हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दिल्ली सराय रोहिला से उधमपुर तक चलने वाली दिल्ली सराय रोहिला उधमपुर एसी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है हफ्ते में 3 दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दिल्ली सराय रोहिला से उधमपुर तक चलने वाली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है हफ्ते में 3 दिन चलती है दिल्ली सराय रोहिला से। ये हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को उधमपुर के लिए रवाना होती है और इस ट्रेन का नंबर है 22401। ये 10 घंटे 40 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं और 629 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 60 किलोमीटर पर आवर। और ये एसी सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और नॉर्दर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो दिल्ली सराय रोहिला से उधमपुर तक का बताऊंगा और बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर लें। फर्स्ट एसी का जो किराया है वो है 2360 रुपये। इस किराए में जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 1400 रुपये। इसमें भी जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इसमें थर्ड एसी के कोच हैं जिसका किराया जो है 990 रुपये है। इसमें भी जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया है ये दिल्ली सराय रोहिला से उधमपुर तक का बताया है। बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दिल्ली सराय रोहिला उधमपुर एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों ये जो ट्रेन है दिल्ली सराय रोहिला से हफ्ते में 3 दिन चलती है। दिल्ली सराय रोहिला से ये हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को उधमपुर के लिए रवाना होती है। रात के 10:15 पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पानीपत जंक्शन हरियाणा में रात के 11:25 पर पहुंचती है और 11:27 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा के आखिरी स्टेशन अंबाला कैंट जंक्शन में रात के 1:05 पर पहुँचती है और 1:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। लुधियाना जंक्शन में ट्रेन जो है 2:47 पर पहुंचती है और 2:57 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और ये पंजाब का पहला स्टेशन है। यहाँ पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर कैंट जंक्शन या जलंधर छावनी में रात के 3:52 पर पहुँचती है और 3:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब के आखिरी स्टेशन पठानकोट कैंट में सुबह 5:34 पर पहुंचती है और 5:37 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दिल्ली सराय रोहिला उधमपुर एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन जम्मू तवी में पहुंचती है सुबह 7:25 पर और 7:33 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 8 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने आखिरी स्टेशन उधमपुर में सुबह 8:55 पर पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दिल्ली सराय रोहिला से उधमपुर की जो दूरी है ये 630 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के रिगार्डिंग लाइक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपको मैं जान सकूं कि आपके इस चैनल के बारे में राय क्या है या वीडियो के बारे में राय क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।